जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के संचालित योजनाओं की एनेक्सी भवन के सभागार में प्रगति समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक बैठक थी। इसमें सभी एआरपी पीओ के साथ बैठक ली गई है, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत अभियान की प्रगति, दिव्यांग बच्चों के अभियान की प्रगति, मिड डे मील अभियान की प्रगति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रगति की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा, जितने भी अध्यापक ने अच्छा काम किया है उनको बधाई देता हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर बाकी अध्यापक भी अच्छा कार्य करें। 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसकी तैयारी की जा रही है, प्रयास है कि इस साल अच्छा कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प में जिन भी गांव के विद्यालय उभर कर सामने आए हैं और जिन गांव में प्राइवेट विद्यालयों से सरकारी विद्यालय में एडमिशन ज्यादा हुए हैं, उन सभी गांव के प्रधान, सचिव व विद्यालय के अध्यापक को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएससी रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप क्या नहीं हो रहे बात तो? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? जहां आपके पैरामीटर संतोषजनक नहीं है उसकी सूची बनाई। हमें ये सोच, देखिए स्वामित्व का मतलब है कि आप मुझे बताएंगे कि करना क्या है, मुझे खुशी होगी मुझे करने को क्या आप जो बताएंगे, लेकिन वो तरीका ही नहीं अपनाते हो। जहां आप लोगों की समस्या आ रही है वहां सूची दे दोगे तो मैं और बीएसए और सीडीओ कार्यशाला लेंगे, प्रधान फटका देंगे, उनके गांव में जांच बिठाएंगे किस मद में खर्च कर रहे होंगे, इस तरह के हरकत हम लोग करेंगे। लेकिन अगर समस्या ही नहीं आती है तो कैसे बताएंगे? इसकी सूची दे लो सभी से, कब तक ले लोगे, कब तक देने की सूची आप लोग? जहां गांव संतोषजनक नहीं है, जहां मुझे प्रधान को और सेक्रेटरी को अलग से बुलाना पड़ेगा, तत्काल बुला देंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक जब काम नहीं शुरू करता। ये तरीका होता है और कौन सा तरीका होता है? दूसरी बात कार्यशाला लेंगे, जो जिनको जिनको सुनना नहीं है तो दूसरी बात सुनेंगे। टू डेज लगेगा तो फ्राइडे जाते हो, अगले हफ्ते कौन से दिन बुलाओगे? अगले हफ्ते ठीक है, राजा संघ जितना होता ये हमारी मासिक बैठक थी बेसिक शिक्षा के संबंध में, और इसमें सभी शिक्षकों, सभी एआरपी और हमारे बीओस के साथ बैठक ली गई। ऑपरेशन कायाकल्प की अद्यावधिक प्रगति, हमारे निपुण भारत अभियान की अद्यावधिक प्रगति, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, दिव्यांग बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए प्रगति, मिड डे मील की प्रगति और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम की प्रगति के बारे में समीक्षा ली गई। अच्छी उपलब्धियाँ हुई हैं और हम जितने भी टीचर्स ने इन्होंने सराहनीय काम किया उनको हम बधाई देते हैं और उनसे प्रेरणा लेके अन्य टीचर्स भी इसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, काफ़ी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए। और अगले साल के 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू होगा उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि हम इस साल और अच्छी उपलब्धियाँ, सफलता की कहानियाँ सृजित कर पाएंगे। प्रधान सम्मानित करने की बात, जिस अभियान में कायाकल्प में उत्कृष्ट स्कूल उभर के आए हैं, जिनके वजह से वहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों से परिषदीय विद्यालयों में दाखिला शिफ्ट हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जनपद में। शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अच्छा कार्य करने वाले सभी ग्राम पंचायत प्रधान, हमारे सचिवगण और हमारे शिक्षकगणों को पुरस्कृत किया जाना है, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है।